ओम श्री साई नाथाय नमः। साई बाबा की कृपा बाबा के सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। साई बाबा के अनमोल वचन, साई बाबा के 11 अनमोल वचन जिन्हें अपना कर आप भी अपने जीवन में खुशियों का उजाला कर सकते हैं। साई बाबा के इन वचनों को गुरुवार के दिन पीले कागज पर लाल कलम से लिखकर उसका पाठ करने से विशेष लाभकारी होता है। तो आइए साईं बाबा के 11 वचन को सुनते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। शिरडी साईं बाबा का धाम है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सीढ़ी धाम का प्रभाव इतना ज्यादा है, किस धाम के सीढ़ी पर पैर रखते ही आपके दुख दूर होने लगते हैं। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा आज भी अलौकिक रूप में शिरडी धाम में मौजूद है और इसी रूप से वो भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, और साईं बाबा ने अपने भक्तों को यही शिक्षा दी कि जो भी सच्चे मन से समाधि लगाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साई बाबा अजर अमर है, जो भक्त सच्चे मन से साई बाबा का ध्यान करता है बाबा हर मुसीबत में उसका साथ देते हैं। मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। साई बाबा अपने भक्तों की झोली भरते हैं, उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं बाबा ने अपने भक्तों को बताया कि वो जिस रूप में उन्हें देखेंगे बाबा उसी रूप में नजर आएंगे। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा भक्तों के हर कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसे दूर करते हैं। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगाओ नहीं है दूर। साईं बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से उनसे जो कुछ मांगेगा उसे वो जरूर देंगे, उसे जरूर मिलेगा। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन और कर्म से साईं में लीन हो जाता है बाबा उसके हमेशा के लिए ऋणी हो जाते हैं। धन्य धन्य ओ भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नन। हर ओ भक्त जो साईं बाबा को ही सब कुछ मानता है वही ओ साईं की नजरों में धन्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय। ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं नाथाय नमो नमः। सबका मालिक एक।